तो चलिए हम तैयार हो गए हैं ड्यूटी जाने के लिए, और ये अभी थोड़ी देर में जाएंगी ऋषभ को स्कूल से लेने के लिए। थक जाते हैं, सभी थक जाते हैं काम करके, हम ही अकेले नहीं हैं। हम बोल देते हैं, ये भी बोलती है हम थक गए हैं। चले जी, मिलते हैं फिर। A few moments later. तो मैं घर पे पहुंचा हूं और मुंह हाथ धुल लिया हूं। मुंह हाथ धुलने के बाद देख रहा हूं, वरना जी हाँ सब काम धाम फैला रखी है। क्या जी, दिवाली की सफाई चल रही है क्या? गणपति पापा की। गणपति पापा की। अच्छा, तो दिवाली की सफाई चालू हो गई। वरना जी जो है जो सामान फैला वैला है, ये देखो सीट कवर यहाँ रखी, हम ढूंढ रहे थे। ऋषभ देखो आज कैसा पेपर रहा। बस तुमको पीछे कैसा? तुमको, हाँ तुमको बोल। आज जल चढ़ा के गए थे ना, आज भोले बाबा का जल चढ़ा के गया था ना ऋषभ। कल नहीं स्कूल जाएंगे, कल एक और पेपर है। ओरल पेपर है, स्कूल नहीं जाओगे? कौन सी बात हुई? मेरा है। सब लोग बोलते हैं ऋषभ को दिखाया करो, ऋषभ बहुत अच्छा बोलता है। क्या कहोगे सबको? सब कहते हैं कृतिक से अच्छा ऋषभ लगता है। तुम कृतिक से अच्छे हो? पॉपिट मेरा, मेरे पॉपिट। ऋषभ कहता है कृतिक मेरी जान है। पॉपिट कहाँ मिट्टी रखे है सबको। तो चलिए वंदना जी साफ सफाई कर रही हैं, फिर मिलते हैं कुछ देरी बाद। वंदना जी आज काफी जोश में लग रही नहीं यार, सामान जब रखने जाओ तो कोई जगह ही नहीं मिलता। ये बच्चे ना देख रहे हो, पेंसिल छील के भी इसी में डाल दिए हैं। ऋषभ ये तुम्हारी शरारत है ना। हम समझ रहे हैं ना। तो सोनाक्षी का सब सामान इनकी मम्मी ने यहाँ रख दिया है। बोलो फेंका है, रखा नहीं है। फेंका नहीं है रखा है, फेंका होता तो बाहर फेंका होता है, घर के अंदर ऐसे ऐसे फेंक नहीं रही थी, देखा नहीं तो वहाँ से कहाँ फेंकेंगे। सब सामान ठीक से रखो, क्या फालतू चीज है जो हटाओ यहाँ से। अरे यार सब मिक्स कर दिया है, सब मिक्स कर दी। मेरा नाटक नहीं, आई मीन मेरा डायलॉग नहीं। The next day. ओहो, माँ बेटी कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? मैं तो नहीं जा रही, मैं तो डांस कर रही। दो ना, इसका ब्लाउज नहीं दिख रहा है। कहीं शादी में जाने की तैयारी हो रही है क्या? सोनाक्षी भी देखो साड़ी वाड़ी पहन। अरे मम्मी अरे तुम भी जीन्स उन्स पहन लो, टी शर्ट उर्ट इनको देखो दुल्हन उल्हन बन के एकदम। माँ बेटी डांस करते हुए नजर आ जाएंगी आप लोगों को। चलो जी डांस करो। इनको तो आ ही नहीं रहा। फैमिली क्या वीडियो बनाए, क्या आप लोगों को दिखाए, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा वीडियो बनाए कि ताकि आप लोगों को पसंद आए, वही घिसी पिटी कहानी सुनाते तो आप लोगों को पसंद भी नहीं आता है। फिर आप लोग बोलते कुछ नया दिखाओ, कुछ नया दिखाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, घूमना टहरना पड़ेगा, चलेगा किसको दिखाऊं? अपने आप को दिखाऊंगा तो आप मुझे नहीं देखोगे ना, इसलिए मैं वंदना जी को दिखाता हूँ। क्या हाल चाल है जी? मेरा हाल चाल ठीक है, और देख सकते हैं मेरा लहंगा है। गिर जाए तो फिर मत कहना लहंगा गिरा रे, झुमका गिरा रे, लहंगा गिरा, झुमका। देख रहे हो सब लोग गणपति पे गए थे, इनवाइट किया गया था, आप भी गई होती तो मजा आ जाता। क्या नींद आ रही है क्या? मेरे को भर भर के नींद आती है। और ऋषभ मेरा बेटा देखो साइकिल चला रहा है।
क्या कर रहे हो बाबू? जितना जल्दी रेडी कर सकती हो, क्योंकि दिन रहेगा तभी। इधर देखो ये साइकिल चला। पापा लेके चलो ना साइकिल को। कहाँ लेके चले? नीचे। नीचे कितना धूल मिट्टी रहता है, इसलिए जाने का मन नहीं करता। नहीं चलो ना आज। आज चलो ना। चलाओ यहीं पे, उधर आगे चलाओ। नहीं चलाओ। आज लेके चलना पड़ेगा। सबको हेलो बोलो। लेकिन सब लोग बोलते कि हमेशा नहीं चलाते। हमेशा नहीं चलाते। हम देख रहे हैं। चलो जी कुछ खाना पीना बना लो। रोज वही जिंदगी। रात को पूछो क्या बनाओगे, दिन में पूछो क्या बनाओगे। औरत भी किचन में काम करते करते थक जाती है। आदमी भी काम करते करते थक जाते हैं। अच्छा तो इसलिए बाहर से मंगा दो। बाहर से? हाँ। बाहर से मत खाया करो। मेरा मोबाइल ना बड़ा बेकार हो गया, क्वालिटी नहीं आती है, वीडियो फटा फटा आता है। आवाज आज का मैं कान में कंडबरा लगा कर वीडियो कान में वो लगा लेती हूँ। क्या लगाती ईयर, क्या बोलते हैं उसको, अरे ईयरफोन, ब्लूटूथ बोल दो, ईयरफोन मत बोलो, ब्लूटूथ लगा कर बनाते, अच्छा नहीं लगता वीडियो में, फिर दिखता है ना ब्लूटूथ, तो इसीलिए थोड़ा गुस्सा आता है। फोन का आवाज बिल्कुल चला गया है और बेकार हो गया है। चलो मुझे फोन दे लाओ। आईफोन 15 भी आया तो इसलिए इनका फोन और खराब हो गया। आज सच में ना हमको ना थक जाती हूँ, इतनी थकी रहती हूँ मैं समझ रही हूँ। लेकिन हम थके कितनों भी रहते हैं, अपने दिल की बात शेयर कर देते हैं। सभी थक जाते हैं यार, अकेले तुम लेडीज थोड़ी थक जाती हो। लेकिन बहुत लोग थक जाते हैं खाते पीते हैं, हम तो कितनों भी थके रहेंगे बनाकर खाते पीते। भाई कितना बाहर का मंगा कर खाएंगे, बाहर का मंगा कर खाएंगे तो रोज गप्पे जैसे हो जाएंगे। देर खाते हैं लेकिन बनाते जरूर हैं, ऐसी बात नहीं है। वैसे बाहर का खाए बड़ा दिन हो गया है। मुझे ना मैं खाती, मेरा पचता नहीं है बाहर, मेरे को गैस बन जाती है। बाहर का वैसे कम खाना चाहिए, हम लोग भी कम ही खाते हैं। अगर हम लोग खाते तो वीडियो में दिख जाता है। अब नहीं खा रहे हैं तो सोच रहे क्या बाहर का खाएं, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। तेल मसाला आजकल लोग डुप्लीकेट डाल के बना रहे हैं। अब जब बाहर जाते हैं तो मजबूरी में खाना ही पड़ता है। बाहर नहीं जा रहे हैं, घर पे ही हैं, तो इसलिए बाहर का नहीं खाते हैं। हम बोलते हैं जो खाना है भाई घर पे ही बना के खाओ। बिना मेहनत का कोई चीज होता है? तो क्या बनाने जा रही है? लेकिन हमको जब आराम रहता है मुझे नींद आती है। इनके चक्कर में मुझे आ रही, आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको भी आएगी। ये वायरस है, जो देखता है उसको हो जाता है। क्या करीजिए, तो देख देख के किसको जमाई आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। खेल लो जी एक बार। तो चलिए वन्ना जी जा रहे हैं मशरूम का सब्जी बनाने के लिए। आज बनाएंगे मशरूम और कल का कल देखा जाएगा। और आप लोगों के यहाँ क्या बन रहा है कमेंट करके बता दीजिएगा, हमें भी फील आएगी कि आप लोग क्या खाते हैं और हम लोग क्या खाते हैं। हम तो अपने यहाँ का बता दिए, आप लोग भी अपने यहाँ का बता दीजिए कमेंट करके। और जिन लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम मौज को फॉलो नहीं किया, प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम मौज आईडी को फॉलो कर लीजिए डीके वंदना के नाम से। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जो है दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो पड़े तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। कुछ लोग बोलते भैया कब वीडियो आया हमें पता ही नहीं चला, तो बेल आइकन का बटन होता है उसको ऑल पे करेंगे तो कोई भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए वंदना जी जाएंगे खाना बनाने, हम जाएंगे थोड़ा न्यूज देखने या फिर क्रिकेट आ रहा है क्रिकेट देखने। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक करते हैं बाय बाय।